वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रवि ब्लॉग्स टेक चैनल को और दबाइए बेल आइकन। व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम रविशंकर है और स्वागत है आपका मेरे चैनल रवि ब्लॉग्स टेक में। तो गाइस, रिसेंटली एक वीडियो में मैंने बताया था कि गाइस टिकटॉक बैन होने वाला है, यूएस में भी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। और साथ ही में मैंने ये भी बताया था कि टिकटॉक को माइक्रोसॉफ्ट बाय करना चाहती है। तो गाइस, पर उस वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था कि क्यों बाय करना चाहती है माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, टिकटॉक जैसी कंपनी को क्यों, आखिर क्यों ऐसा खरीदना चाहती है माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को। तो गाइस वेल, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरे डिटेल में कि माइक्रोसॉफ्ट क्यों खरीदना वाली है, इनफैक्ट खरीदना चाहती नहीं, खरीदने वाली है, ऑलरेडी बहुत सारे डील्स हो गए हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीदना क्यों चाहती है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा इन डिटेल बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। और गाइस, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट अमेजिंग टेक के अपडेट्स डेली लाता रहता हूं, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। और गाइस, हम लोग बहुत ही करीब है 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली जो सबसे मेन रीज़न है क्यों माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को बाय करना चाहती है, वो है गाइस डेटा, यूज़र डेटा की वजह से। तो गाइस, ये तो आप लोग बहुत ही सब लोग मानते ही होंगे कि गाइस कोई भी कंपनी के लिए यूज़र डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बेसिकली वही यूज़र डेटा ही कंपनी के चीज़ों को इम्प्रूव करने में मदद करती है। और कंपनी यूज़र डेटा को किस तरह से हैंडल करता है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर कोई ऑडियंस है, अगर वो सर्विस यूज़ कर रहा है कोई भी कंपनी का, तो सबसे ज़्यादा वो यूज़र अपने डेटा को सिक्योर रहे यही सोच के यूज़ करता है। इसलिए कोई भी कंपनी के लिए जो यूज़र डेटा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस, आप जानते होंगे कि टिकटॉक का जो यूज़र बेस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही जल्दी ग्रो हुआ है, बहुत ज़्यादा है। और गाइस, इसी यूज़र बेस की वजह से इसका जो यूज़र डेटा है वो बहुत ज़्यादा यूज़र डेटा है टिकटॉक के पास। मतलब आप कोई भी ऐसा नहीं है कि टिकटॉक ही सिर्फ यूज़र डेटा स्टोर करता है, बेसिकली आप कोई भी सर्विस यूज़ कर रहे हो, जैसे कि यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, गूगल यूज़ कर रहे हो, तो आप लोगों मतलब कंपनी के पास आप लोगों का सभी डेटा रहता है, कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, कौन सा कहाँ कौन सा लोकेशन से यूज़ करते हो ऐसे, या फिर अपना नेम इन्फॉर्मेशन क्या सर्च करते हो, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक डेटा इसको कहते हैं, ये सब कंपनी के पास रहता है। तो वैसे ही गाइस टिकटॉक के पास भी सभी कुछ आप लोगों का सब यूज़र डेटा रहता है, जो कि गाइस आप लोग सुने ही होंगे कि कंपनी ने बेच दिया यूज़र डेटा दूसरे कंपनी को। तो गाइस, बेसिकली जो यूज़र डेटा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कंपनी के लिए अपने सर्विसेज को इंक्रीज करने के लिए। तो गाइस, वैसे ही टिकटॉक के पास भी जो जैसे कि बहुत ही बड़ा यूज़र बेस है, तो यूज़र बेस के साथ साथ बहुत ही बड़ा यूज़र डेटा भी है। तो इसीलिए ये वन ऑफ द मेन रीज़न है कि माइक्रोसॉफ्ट अब टिकटॉक को बाय करना चाहता है। तो ताकि टिकटॉक को वो बाय कर लेगा, तो उसका जो डेटा है, यूज़र डेटा है जो टिकटॉक के पास था, वो माइक्रोसॉफ्ट के पास हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ओन करेगा यूज़र डेटा को, और वो वही यूज़र डेटा माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करता है, यूज़ कर सकता है अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी नए प्रोडक्ट्स निकालेगा उसमें यूज़ कर सकता है इन यूज़र डेटा को, अपने और भी प्रोडक्ट्स को, या फिर जो भी नए ऐप्स हैं, नए सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी को इम्प्रूव करने के लिए। तो गाइस, बेसिकली ये यूज़र डेटा को वो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हो, प्रोडक्ट्स भी हो, वो सबको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत होती है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट खरीदना चाहता है टिकटॉक से। अगर वो डायरेक्टली सिर्फ डेटा खरीद लेगा, तो ये गाइस बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी रिस्क है। वैसे आप सुने होंगे कि बहुत सारे कंपनी ने बेच दिया है यूज़र डेटा, पर ये बिल्कुल मतलब अगेंस्ट है, लोगों के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अगर आप कंपनी ही पूरा का पूरा खरीद लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस, दूसरी फैक्टर है कि क्यों माइक्रोसॉफ्ट बाय करना चाहती है टिकटॉक को, गाइस वो है टिकटॉक के ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो गाइस, इसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे गाइस, पर टिकटॉक बहुत ही समय से काम कर रही थी AR टेक्नोलॉजी के लिए। तो गाइस, बेसिकली गाइस आप बहुत समय से ऑलरेडी आप वीडियोस में देखे होंगे, टिकटॉक में जब था तब देखे होंगे कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स जैसे कि आ जाता था वीडियो में, फिल्टर्स वगैरह में आ जाता था रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, तो वो बेसिकली AR की मदद से था। तो वो गाइस टिकटॉक काम करता था स्टिकर्स ये सब के रूप में, या फिर उसके ऐप में फिल्टर्स वगैरह में। तो गाइस वही उसके लिए वो मतलब माइक्रोसॉफ्ट उसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हुआ उसका AR टेक्नोलॉजी की मदद से, इसीलिए वो माइक्रोसॉफ्ट का भी सेपरेट जो माइक्रोसॉफ्ट AR नाम का टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, तो वो दोनों को कंबाइन करके एक और भी अच्छा सपोर्ट
के लिए भी ये माइक्रोसॉफ्ट बाय करना चाहती थी टिकटॉक को। तो गाइस यही दोनों जो मेन रीज़न थे कि क्यों माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को बैन करना चाहते हैं। और भी गाइस बहुत सारे रीज़न है, छोटे छोटे रीज़न है, पर वो सब रीजन्स बहुत छोटे छोटे हैं, वो उतने कंसिडर भी नहीं किए गए हैं। पर ये जो मेन दो रीज़न है ये बड़ा बड़ा फैक्टर है कि क्यों माइक्रोसॉफ्ट बाय करना चाहता था टिकटॉक को। तो गाइस बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, कमेंट में बताना अपनी ओपिनियन क्या आप सोचते हो इस फैक्टर के बारे में, मतलब इस माइक्रोसॉफ्ट के आइडिया के बारे में। और गाइस अपने कुछ भी ओपिनियन बता सकते हो मेरे बारे में, इस वीडियो के बारे में कुछ भी बता सकते हो। और गाइस शेयर करो इस वीडियो को सभी के साथ। और गाइस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट अमेजिंग टेक के अपडेट्स डेली लाता रहता हूँ, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। और गाइस हम लोग बहुत ही करीबी 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो फिर गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।